मुझे तो याद कर कोई लोग एक मिनट पकड़े रहेगा ये असीना फटीटा और जयगोपाल केचुआ मिक्स में है। ये केचुआ आपने बीचों बीच इस तरीके से फैला दिया, इससे क्या होगा केचुआ नजदीक साथ होने लगा। हाँ वो साफ करते हुए वो भी जो लोग हैं सारे नहीं। प्रधानमंत्री जी के स्टार्टअप के सपने से प्रेरणा लेके आज वर्मी कंपोस्ट यूनिट की एक शुरुआत करी है और इसमें हम लोग वर्मी कंपोस्ट कई तरीके से बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट जो हम लोग बनाते हैं वो ट्राइकोडर्मा के थ्रू, ह्यूमिक एसिड के थ्रू और गोबर और नीम के थ्रू बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट यहाँ पर हम लोगों ने जो शुरुआत करी थी वो आईवीआई कृषि विज्ञान से ट्रेनिंग लेके करी थी और आज हम लोग करीबन 1 से 1.5 एकड़ के क्षेत्र में वर्मी कंपोस्ट और बायो कंपोस्ट बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए हम लोग जो गोबर इस्तेमाल करते हैं वो हम गाय का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम 15 से 20 दिन तक उसे तैयार करते हैं। उसके बाद हम उसमें केचुआ छोड़ते हैं। जो केचुआ छोड़ने का प्रोसीजर ये है कि हम लोग केचुए को जो डालते हैं वो बीचों बीच डालते हैं ताकि जो कंपोस्ट है वो बहुत तेज़ी से तैयार होती है। उसके बाद जो केचुआ होता है करीबन इसको खाकर 3 महीने में ख़त्म कर देता है। उसके बाद हम लोग इसे छानते हैं और छानने के बाद पैकिंग करके आगे भेज देते हैं। तो बाजार की जो खाद है और आपकी जो खाद है कितना डिफरेंस है? बाजार की खाद और हमारी खाद में ये डिफरेंस है, सभी लोग वर्मी कंपोस्ट तो तैयार कर रहे हैं लेकिन हम लोग जो कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं उसमें ट्राइकोडर्मा और कई तरीके के बैक्टीरियाज इस्तेमाल करते हैं। उससे ये फ़ायदा रहता है कि ज़मीन में वर्मी कंपोस्ट की जो ताकत है वो तो पहुँचती ही है, उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया के थ्रू जो ज़मीन के अंदर मटेरियल जो होता है वो भी डिकम्पोज होता है जिससे पौधे की जो ग्रोथ है वो और अच्छी हो जाती है। लगातार देखा जाता है कि आजकल जो ज़्यादा फर्टिलाइजर्स है वो तो ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो उससे ज़मीन की जो गुणवत्ता है वो कम होती जा रही है, तो किस चीज़ से ये आपकी जो खाद है वो किस चीज़ से आगे गुणवत्ता बनाए रखती है? हम लोग किसान से ये कहते हैं हम लोग कि आप जैविक खाद का सबसे ज़्यादा प्रयोग करें और साथ ही साथ हम लोग ये कहते हैं कि आप अपनी ही यूनिट लगा सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, उस चीज़ की हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एक किसान को 2 से 5 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़ती है और वो अपनी छोटी से यूनिट से शुरुआत कर सकता है और आगे ही केचुआ जब बढ़ता है तो वो अपनी ही यूनिट को बढ़ा सकता है। तो जब किसान वर्मी कंपोस्ट को अपने खेत में लगाता है तो उसके बाद उसे 50 से 60% केमिकल कम लगाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे हमारी ज़मीन बंजर नहीं होती, हमारी ज़मीन में जो पानी की सोखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा
बढ़ जाती है और पौधे की जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी होती है।